हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके आज की ताजा मौसम समाचार में। फटाफट जान लेते हैं आज के मौसम की अपडेट क्या है। यूपी को मिलेगी गर्मी से राहत, हरियाणा पंजाब में ही भारी बारिश का डर, जाने मौसम का हाल कैसा रहेगा। आज की इस वीडियो में देंगे आपको पूरी जानकारी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो रोज डेली मौसम से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें। IMD ने कहा है कि उड़ीसा में 25 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। वही पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भी 24 जुलाई तक बादल बरसने की संभावना जताई गई है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। इसके कारण गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग अपनी ताजा रिपोर्ट के मानसून के दक्षिण तरफ बढ़ने की भी बात कही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती परिचय भी बन रहा है। IMD ने अपने ताजा अपडेट में भारी बारिश का अलर्ट कर लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 22 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा झारखंड, पश्चिमी राजस्थान में अगले 5 दिनों तक मूसलधार बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। गर्मी और उमस झेल रहे उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। 24 और 25 जुलाई को यहां भारी बारिश के आसार है। इसके अलावा IMD ने कहा है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। बताते चले आपको, गोवा, कोंकण, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी दौरान अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बिहार को लेकर किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं की है। IMD ने कहा है कि उड़ीसा में 25 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भी 24 जुलाई तक बादल बरसने की संभावना जताई गई है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें।